हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका भरत के डॉग्स में। तो यहाँ रहते हैं अपने डब्बू और डॉली। जब बारिश वगैरह होती है तो इसी के अंदर रहते हैं। तो दोस्तों, आखिरकार लेपर्ड आ ही गया। तो यहाँ पे आया है रात के टाइम पे लेपर्ड तेंदुआ। तो यहाँ देख सकते हो, ये हमारा खेत है पूरा। तो यहीं पे लेपर्ड आया था। यहाँ पे हल्की हल्की मिट्टी भी उखड़ी हुई है। तो लगभग उस समय 3 बजे का टाइम हो रहा था और डॉग काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव बार्क कर रहे थे उस टाइम पे। तो मेरी भी नींद खुल गई उस टाइम पे। तो जैसे ही मैं बाहर आ रहा था तो उस टाइम पे मैंने लेपर्ड के घुर्राने की आवाज़ सुनी सिर्फ, बस मैंने देखा नहीं लेपर्ड को। तो जब तक मैं बाहर आता तब तक वो चले गया था या भाग गया था शायद। तो ये देख सकते हो, जब मैं बाहर आया तो ये जाली थोड़ा फटी हुई थी। तो फिलहाल मैंने तो इसको बांध के, तार से बांध के सही कर लिया। तो ये जाली थोड़ा फटी हुई थी नीचे के लिए। तो मुझे लग रहा है लेपर्ड इसी जाली पे आया होगा डॉग पे अटैक करने के लिए। और डब्बू के एक नाखून में भी थोड़ा कट रखा था पूरा, मतलब। तो मुझे लग रहा है वो इस पे खड़े होके या तो कुछ बाहर आने के लिए कर रहा होगा या फिर जाली फाड़ने की कोशिश कर रहा होगा। तो उसी में उसका नाखून भी थोड़ा छिल गया था। दोस्तों, पहले मैंने यहाँ पे कैमरा सेटअप नहीं लगाया हुआ था, तो क्योंकि कभी लेपर्ड आया ही नहीं था, मुझे कुछ पता भी नहीं चला। तो अब जब मुझे पता लग गया यहाँ पे लेपर्ड आ रहा है रात के टाइम पे, तो मैंने यहाँ पे कैमरा सेटअप कर लिया है अपना पूरा से। तो अब लेपर्ड आता है 3-4 दिन बाद, अगर फिर से आता है तो उसकी पूरी फुटेज हमको मिल जाएगी। तो दोस्तों, आज से 4-5 दिन पहले भी ये डॉग काफ़ी बार्क कर रहे थे रात के टाइम पे, मतलब इसी टाइम पे लगभग 2:30-3 बजे लगभग। तो मैंने ध्यान नहीं दिया उस टाइम पे, मैंने सोचा कुछ जानवर वगैरह होगा कोई, तो मैंने ध्यान नहीं दिया। तो मुझे लग रहा है उस टाइम पे भी यहाँ पे हल्की हल्की मिट्टी उखड़ी हुई थी। तो मुझे लगा वो लेपर्ड ही आया था फिर इससे पहले भी। तो लेपर्ड का मुझे ऐसे लगा पता कि जब मैं मतलब बाहर निकल रहा था ना उस दिन, तो उस टाइम मैंने सिर्फ लेपर्ड के गुर्राने की आवाज़ सुनी थी बस। उसके बाद से मतलब मुझे 100% कन्फर्म हो गया कि लेपर्ड ही रात को आया था वहाँ पे। तो जब तक मैं टॉर्च लेके बाहर आता तो लेपर्ड पता नहीं कहाँ चले गया था, तो कुछ पता नहीं चला। फिर उसके बाद आया नहीं वो। तो देखते हैं दोस्तों, 4-5 दिन बाद भी अब फिर से लेपर्ड मुझे लग रहा है फिर से दोबारा आएगा। तो कोई नहीं, मैंने अब यहाँ पे पूरा सेटअप कर लिया है, अगर लेपर्ड आता है रात में तो उसका पूरा पता चल जाएगा। हाँ, तो जिन दोस्तों को वहाँ पे कन्फ्यूज़न लग रहा है जहाँ पे वो डॉट डॉट से बने हुए हैं, तो यार उन दोस्तों को मैं बताना चाहूँ, वहाँ पे सब्ज़ी के पौधे लगे हुए हैं तो उनमें पानी डाला हुआ है, तो इसी वजह से वो वैसे दिख रहे हैं। तो बाकी दोस्तों, मैंने वहाँ पे कैमरा सेटअप कर लिया है अच्छे से, पर अब लेपर्ड आ नहीं रहा है वहाँ पे। तो देखते हैं कब तक आएगा, जब भी आएगा तो फिर पता चल जाएगा हमको, और डॉग का रिएक्शन भी वहाँ पे पता चल जाएगा और लेपर्ड का रिएक्शन भी पता चल जाएगा पूरा। तो इस बार मैं बाहर नहीं जाऊँगा, तो ना ही मैं लेपर्ड को भगाने जाऊँगा इस बार। तो इस बार पूरी फुटेज बनने दूंगा मैं उसकी, लेपर्ड और डॉग्स की। तो देखते हैं क्या होता है फिर। बाकी आप लोग देख सकते हो डब्बू और डॉली कितने अलर्ट गार्डिंग कर रहे हैं रात के टाइम पे। तो भाई रात के टाइम पे इनका ऐसे ही रहता है, नीचे भी बहुत मुश्किल से बैठते हैं ये, पूरे घूमते रहते हैं चारों तरफ और नीचे बैठने का तो सवाल ही पैदा नहीं है। सुबह तक इनका यही रहता है पूरा। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो आपको तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।